नमस्कार, आप देख रहे हो बहुजन हलचल। एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। अजमेर के रूपनगढ़ थाना क्षेत्र में बीती रात दलित समाज के युवक ने रिश्ते का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड से पहले उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा। इसमें पुलिस पर राजनीतिक दबाव में आकर न्याय नहीं करने का आरोप लगाया गया है। युवक ने अपने 3 पेज के सुसाइड नोट में 2 पुलिस अधिकारियों, 1 पूर्व सरपंच को मौत का जिम्मेदार बताया है। बता दें कि ओम प्रकाश रैगर 25 वर्ष किशनगढ़ उपखंड क्षेत्र के रूपनगढ़ थाना क्षेत्र में नौसल गांव का रहने वाला था। कमरे की छत पर लगे लोहे के हुक में फांसी का फंदा बनाकर उसने जान दे दी। सबके पास एक सुसाइड नोट भी मिला। इसके बाद विवाद बढ़ता गया। दलित समाज के लोग सामुदायिक चिकित्सा केंद्र के बाहर धरने पर बैठ गए। परिजनों ने न्याय नहीं मिलने तक का शव उठाने से इनकार कर दिया। उधर भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद भी रूपनगढ़ पहुँचे। उनके अलावा आरएलपी से गोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग भी पीड़ित के घर पहुंच गए। यहां मृतक के परिजनों को मुआवजे, सरकारी नौकरी और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई। यह सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सुसाइड नोट पर दीपावली पर स्थानीय व्यक्ति के झगड़े को लेकर रूपनगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने तथा राजनीतिक दबाव में रिपोर्ट को हल्का करने के आरोप लगाए गए हैं। नोट्स में यह लिखा मिला कि मेरा नाम ओम प्रकाश रैगर है। मेरे पिता नारायण रैगर दिवाली के दिन अपने खेत में गवार व बाजरे की फसल इकट्ठा कर रहे थे। तभी किसना राम गुज्जर व उनके 2 भतीजे काना राम और नंदा राम भेड़ बकरे चराने वहां पहुंच गए। मेरे पिता ने उनका विरोध किया तो मेरे विकलांग पिता को लाठियों डंडों से मारा पीटा गया। उन्होंने जैसे तैसे कर अपनी जान बचाई और गाँव की तरफ आकर मुझसे और मेरी मम्मी को सारी बात बताई। जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हमें भी घेर लिया और जाति सूचक शब्दों से अपमानित भी किया। ये हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। जब हम खेत में लास्ट में अपनी फसल तैयार करते हैं उससे पहले ये भेड़ बकरियाँ खेत में डाल देते हैं और हमें परेशान करते रहते हैं। आगे जब हम वारदात होने के बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गए तब थाना अधिकारी के पास फोन आ गया कि इनका केस मत लेना और वहाँ से हमें मेडिकल करवाने के बाद डरा धमका कर रवाना कर दिया गया। बोले कल आना, कल गए तो बोला फिर आना। हमने कोर्ट में जाने के नाम लिया तो उन्होंने हमारी FIR ली और केस को हल्का कर दिया। इसमें हमारे गांव का पूर्व सरपंच रंजीत सिंह राठौर वोट बैंक पाने के लिए शामिल हो गया। उसकी जान पहचान बहुत बड़ी है, इसलिए उसने और थाना अधिकारी अयूब खान ने मिलकर मेरे साथ मेरा छोटा भाई राहुल और मेरे अंकल जुगल किशोर पर झूठी FIR दर्ज करवा दी। डिप्टी लोकेंद्र दादरवाल बयान करने गाँव आए तो वो भी रंजीत सिंह राठौर के घर जाकर बैठ गया और ये सब मिल गए और आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मैं अपने माँ बाप का आत्मसम्मान नहीं बचा पाया। उनके सामने जाने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है। जिन्होंने मुझे इतना पढ़ाया आज मैं उनकी रक्षा व आत्मसम्मान नहीं बचा पाया। अब मैं जिस संविधान को पढ़ा और समझा फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। इस सिस्टम की वजह से पूर्व सरपंच के पास पॉलिटिकल बल है और इसी बल के सहारे उन्होंने मेरे केस को पॉलिटिकल बना दिया और मैं सिर्फ देखता ही रह गया। मैंने कानून की सहायता, जबकि उन्होंने हम पर ही झूठा केस बना दिया। जो मैं अब कर रहा हूँ मुझे पता है यह बहुत गलत है। अब मेरे पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। मेरी माँ, मैं तेरा इस जन्म में हो नहीं सका, मुझे माफ करना। और मेरी सिस्टर नीतू, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया, मुझे इस बात का बहुत बड़ा अफसोस है। नीतू, मम्मी पापा का ध्यान रखना और हिम्मत मत हारना। तुम लोग समझौता मत करना। इस साजिश में जो भी शामिल है उन पर कार्रवाई करवाना, चाहे सब कुछ बिक जाए। छोड़ना मत इन सबको। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।